हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैं नहीं समझ में आता है कि क्या भैया, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं अपने कामों में लगा हूँ, जनता के कामों में लगा हुआ हूँ, जनता की जिम्मेदारी के बारे में मुझे पता है, मैं झारखंड चुनाव में लगा हुआ हूँ। एक गिलहरी की जो जिम्मेदारी है झारखंड में, महागठबंधन ने जिस दायित्व को दिया है, और हेमंत जी और हम एक परिवार के हैं, हमें लगता है कि स्वाभिमान की लड़ाई है, बाहरी गुंडे और भीतरी नायक के बीच की लड़ाई है। बाहरी लोग कब्जा करना चाहते हैं, जैसे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में कब्जा किए हैं, यहाँ जल जंगल जमीन पर कब्जा की बात है। सबसे अधिक बीजेपी की सरकार रही है, उन लोगों ने झारखंड को लूटा है, उसको बचाने की जिम्मेदारी सबकी है, उसमें मैं भी हूँ। तो मैं अपने कामों में लगा हूँ, आज पाकुड़ जाना था लेकिन यहाँ काम है तो मैं यहाँ पर अभी जा रहा हूँ। जलसे हैं, कौशकीपुर में अनेक चीज़ें हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जो काम मेरा है मैं कर रहा हूँ, जो काम सरकार की है सरकार करे। सरकार को पसंद नहीं है, मैं कई बार कह चुका हूँ कि नीतीश कुमार जी के जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो लुटेरे लोग हैं, जो नीतीश कुमार जी चाहते पप्पू यादव से मिले, लेकिन नीतीश कुमार को कोई पप्पू यादव से मिलने नहीं देता। तो ऐसे लोग जो माफिया से मिले हुए हैं, जमीन माफिया से, वो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग गलत लोगों को सामने लाना। मैंने उनके चीफ सेक्रेटरी से बात की, उनसे डीजी से बात की, आईजी से बातचीत किया, होम मिनिस्टर से बातचीत की, मैंने तो कहीं ओपन नहीं किया। जब सोशल मीडिया के पेज पर किसी लोगों ने मलेशिया से, रात भी जैसे मलेशिया से लोगों ने धमकी दी, तो वो उनका काम है धमकी देना। मेरा काम है हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। मेरा काम है अपना काम करना। ये भी जो जरूरत नहीं है इस सुरक्षा को भी लौटा ले, मैंने चिट्ठी लिख दिया कि आप अपनी सुरक्षा लौटा लीजिए। मैंने लिख दी कि मुझे आपकी सुरक्षा नहीं चाहिए। मैं अभी भी, आप देख लो, आप सामने में है, दिखाओ जनता को, मेरे पास कोई सुरक्षा नहीं है। जिसको मारना हो आके मार दो, लेकिन सच्चाई के रास्ते नहीं हटूंगा। सदन और सदन के बाहर जो आम लोगों की जिम्मेदारी हमको दी गई है वो काम करूंगा। मैं इतना जानता हूं इस देश की जनता मेरे लिए भगवान है, इंसान नहीं मानता हूं, भगवान मानता हूं, और उसके जस्टिस के लिए मैं कुछ भी करूंगा और उसकी मदद मरते दम तक करूंगा। ये तीन फिलॉसफी मेरी है, और उसमें जिसको मारना हो, मेरे किसी से निजी झगड़े नहीं है, मैं किसी की निजी ज़िंदगी में नहीं जाता हूँ। हर देश के नागरिक पर कोई संकट आता है तो वहाँ मैं रहता हूँ, चाहे बाहर हो पुरान हो। जो लोग आलोचना पार्टी के नाम पर करते हैं, गाली गलौज करते हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के आग्रह करेंगे, सोशल मीडिया के कुछ लोगों से, यूट्यूबर्स, आप अपना काम करिए ना, आप अपनी बात करिए, हमको गाली गलौज दे के क्या फ़ायदा, हमारे साथ अपनी दुकान क्यों चलाना चाहते। आपको फोन भी आया था क्या? आता रहता, पूरे देश से हमेशा, आज से थोड़ी फोन आ रहा है, बचपन से हमको मारने की धमकी मिल रही है। सर सबसे महत्व, हम कहाँ बाप बाप करते हैं। सर महत्वपूर्ण बात यह है, लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर, मैं मुझको नहीं पता है ये कौन जेल से कैसे ऑपरेट हो रहा है, कौन प्राणी है ये, तो भैया भिंडर वाला कैसे ऑपरेट होता था, दुनिया में कौन कैसे होता था, सरकार ना समझेगी, मुझे कोई मतलब है ही नहीं किसके साथ सरकार है किसके साथ नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, जब भी घटना घटती है, यहाँ पर अभी बाढ़ आया तो हम थे, या दारू में मरे तो हम थे। जब कोई घटना घट जाती है तो सुबह 5 बजे हम पहुँच जाते हैं, तो कोई एक बात तो है नहीं। तो हमें जो लगता है वो मैं सच्चाई के साथ करता हूँ, आपको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ। तो इसीलिए सरकार गंभीर नहीं है, सरकार सियासत में जो लोग रहते हैं उसकी सुरक्षा, सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चाहती है कि पप्पू यादव खत्म हो, सिरदर्दी है उनके लिए, तो सरकार जाने। मैं सरकार से अब भीख नहीं मांगूंगा, हमें कानून के तहत उनको बताना था कि ऐसी ऐसी घटना है, ये आप देख लीजिए, वो मैंने बताया।